नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारा एक 10 साल पुराना डेस्कटॉप है, उसमें हम ये क्रूशियल की P3 3500 Mbps की रीड स्पीड वाली PCIe 3.0 NVMe SSD लगाएंगे और ये M.2 SSD है और इसकी कैपेसिटी है 1 TB की और ये बहुत अच्छी स्पीड देती है। इसका हम चेक भी करेंगे और इसको लगाने के लिए यहाँ पे हमने एक एडेप्टर परचेस किया है। ये एडाप्टर का अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही बता दिया है आपको और ये स्पेशल M.2 की के लिए ही एडाप्टर है और इसके साथ में एक पैकेट मिलता है और यहाँ पे इसके स्क्रू ड्राइवर मिल जाते हैं। इन दोनों का अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर दिया है, आई बटन पे आप उसे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी एक इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे फिट करना है आपके CPU में, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। इसके लिए हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में कौन सी SSD लगी है, ये हम देख लेते हैं क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए पहले लोकल डिस्क C है मेरी और यहाँ पे जो है लोकल डिस्क में विंडोज इंस्टॉल है और उसके बाद में ये E है। तो यहाँ पे एक SATA जो है ये E है और जो C है वो मेरी हार्ड डिस्क है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि मेरे अभी कंप्यूटर पे सिंपल एक हार्ड डिस्क है और एक SATA SSD है, NVMe SSD नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इसका जो CPU है हमारा, इसको शट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉलेशन करना है। तो हम शट डाउन कर लेते हैं और आगे की रिकॉर्डिंग हम मोबाइल से करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको शट डाउन कर लेते हैं और मोबाइल को सेट करते हैं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक NVMe SSD और एडाप्टर उसके स्क्रू ड्राइवर को साइड में रख देते हैं, थोड़ा माउस को भी साइड में कर देते हैं और ये हमारा CPU है। तो हम CPU को सबसे पहले तो हमें CPU खोलना पड़ेगा क्योंकि ये 10 साल पुराना CPU है। इसमें मैंने SSD बिठाई है, RAM इंस्टॉलेशन किया है, किस तरह से किया है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना दिए हैं, आप उसे एक बार आई बटन पे जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे इसको खोलने के लिए सबसे इसके जो वायर्स है, पावर्स केबल्स है, माउस, इसके जो पावर्स केबल्स है, इसके जो माउस केबल्स है, सब कुछ यहाँ पे निकाल लीजिए। HDMI केबल निकाल लीजिए जो मॉनिटर से कनेक्ट होते हैं। एक बार आपने वायर निकाल लिया तो इस तरह से ये दिखेगा। अब यहाँ पे हमने सब वायर निकाल लिए हैं, अब कोई खतरा नहीं है, आप इसको खोल सकते हैं। खोलने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर रखेगा, दो स्क्रूज यहाँ पे इसने फिट किए हैं, ओल्ड है, जल्दी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं अच्छी रखावट रखने से जल्दी फायदा होता है कि कोई भी ड्राइवर, कोई भी स्क्रू जल्दी निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मेरा 10 साल पुराना डेल का डेस्कटॉप है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके ऊपर एक फ़ैन है, इसको पहले सबसे पहले तो फ़ैन को निकाल लेना पड़ेगा। तो ये जो फैन का कवर है, ये फैन का कवर को हम निकाल लेते हैं, आराम से निकालिएगा कहीं टूट ना जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका डेल का CPU दिख रहा है और मदरबोर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर देखिए EVM की SSD मैंने फिट की है। इसको कैसे फिट करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, आई बटन पे वीडियो है, देख लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफिक्स कार्ड में मैंने फिट किया है, इसको आई बटन पे जाके आप एक बार जरूर देख लीजिए। और यहाँ पे हम जो एडाप्टर बिठाएंगे वो कहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे, ये देख रहे हैं आप छोटे वाला PCI Express X1 स्लॉट और यहाँ पे साइड में एक 16 वाला स्लॉट है जो जिसमें हमने ग्राफिक्स कार्ड बिठाया है। और PCI Express 1 के स्लॉट में यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट दिखाई देगा वो ब्रैकेट की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। किस तरह से फिट करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए आगे बताते हैं आपको जूम करके कि ये देखिए PCI Express ये वाला स्लॉट है। यहाँ पे आप एक चिप देख पा रहे होंगे, वो वाईफाई की चिप है जिससे हमें वाईफाई के सिग्नल मिलते हैं, ये वाली वाईफाई है 1313610 और ये है हमारा PCI Express X1 स्लॉट और साइड में है X16 स्लॉट जिसमें हमने ग्राफिक्स कार्ड बिठाया है। अब यहाँ पे हमने रैम भी बिठाई थी और साथ ही साथ EVM की SSD भी बिठाई थी। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो हमारे SSD प्लेलिस्ट में बनाए हैं, आप उसे एक बार जाके देख लीजिए। अब हम यहाँ पे ये हमारा PCI Express 1 एडाप्टर है, इस पर हम क्रूशियल 1 TB P3 SSD फिट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे CPU को साइड में रख देते हैं और CPU को साइड में रखने के बाद में यहाँ पे हम लेते हैं हमारी क्रूशियल की P3 SSD PCI Express SSD। यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका अनबॉक्सिंग है। अनबॉक्सिंग के लिए आपको डिटेल वीडियो देख लीजिए, हमारा डिटेल अनबॉक्सिंग हमने इस पर बनाया है, आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें एक स्क्रू भी मिल जाता है, मतलब आपको बाहर से स्क्रू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारी SSD हो गई और यह हमारा एडाप्टर। अब एडाप्टर के साथ में एक ब्रैकेट आ रहा है, हमें यहाँ पे ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ब्रैकेट वहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। तो ब्रैकेट हम यहाँ से निकाल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए NVMe SSD फिट करने का कोई तरीका है, देखिए स्पेशल यहाँ से इसको पकड़ना है, यहाँ से लगाना है बस, और थोड़ा सा टक करके आवाज़ आएगा बस। इस लगाने के बाद में थोड़ा इसको नीचे करिए और यहाँ पे ये जो इनके साथ में स्क्रू दिया है इन्होंने क्रूशियल वालों ने, तो यहाँ पे स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर लीजिए। अब कितना टाइट करना है, ज़्यादा मत टाइट करिए क्योंकि ये SSD डैमेज हो सकती है, थोड़ा हल्का सा ही इसको फिट करिए। तो चलिए मैं यहाँ से फटक से इसको फिट करता हूँ। फिट करने के लिए इन्होंने
एडाप्टर के साथ में एक छोटा सा ड्राइवर भी दिया है, तो यहाँ पे इसे मैं फिट कर लेता हूँ। आपके पास में होगा तो आप उससे भी इसको फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस क्रूशियल की एसएसडी को एडाप्टर पे फिट कर लिया है, बस अब इसको आपको प्लग इन करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो इसके जो ड्राइवर्स है स्क्रूज है इसको साइड में कर लेता हूँ, ब्रैकेट और स्क्रू को। अब यहाँ पे मेरी क्रूशियल की एसएसडी एडाप्टर पे फिट है, अब एडाप्टर ही मुझे सिंपल मेरे सीपीयू में लगाना है। तो ड्राइवर को अलग करते हैं और जो हमारा सीपीयू हमारे मोबाइल के नीचे लाते हैं जिससे रिकॉर्डिंग आसान हो सके। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा पीसीआई एक्सप्रेस X1 स्लॉट यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने जो एसएसडी पीसीआई एडाप्टर पे फिट की थी वो एसएसडी लाएंगे और यहाँ पे प्लग इन करेंगे। अब यहाँ पे स्लॉट देखिएगा, जो पहला पीसीआई एक्सप्रेस 1 स्लॉट है इसमें पहला जो खाचा है छोटा है और बड़ा, दूसरा जो है बड़ा है। तो यहाँ पे उसी तरह से इसको माउंट करना है और इसमें भी दो नॉच दिए रहते हैं छोटा और बड़ा, तो इस तरह से इसको माउंट करें क्योंकि अलग माउंट करेंगे तो फिट नहीं बैठेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे किस तरह से फिट कर रहा हूँ, तो इसी तरह से आपको भी फिट करना है। अब इन सभी के प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से टक करके एक आवाज आएगी जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे मेरा फिट हो गया। इसको कोई भी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह से ये फिट बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको फिट कर दिया है, आप देख पा रहे हैं फ्रंट एंड भी देख सकते हैं इस तरह से ये फिट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको इसको फिट करना पड़ेगा, आपने जो सीपीयू है खोला था इसको फिट कर दीजिए, और फिट करने के बाद में हम इसको प्ले करेंगे और देखते हैं किस तरह से हमें ये हमारा NVMe SSD जो है PCI Express M.2 SSD किस तरह से हमारे डेस्कटॉप पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इसे पावर वगैरह कनेक्ट कर देते हैं और इसके जो केबल्स है वो फटाक से इसको लगा देते हैं और इसे साइड में कर देते हैं। इसको पहले फिट नहीं करते, उसका जो कवर है ये नहीं लगाते, हमने यहाँ पे सीपीयू को ऑन कर दिया है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर पे, देखते हैं वहाँ पे, देखिए यह लाइट भी लग गया है ग्रीन लाइट। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें ये जो हमने PCI Express SSD लगाई है वो शो होती है या नहीं होती है। तो चलिए अब यहाँ से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा जो हमारा डेस्कटॉप है वो रन हो चुका है। अब यहाँ से हमने मोबाइल से शूटिंग की है, तो हम मोबाइल शूटिंग बंद करते हैं, OBS से शूटिंग करते हैं और हमारे डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं OBS से हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अब तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम OBS से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए डिस्क पीसी में विंडोज लोकल जो डिस्क है सी है और यहाँ पे लोकल डिस्क ई है जैसे SSD है। अब यहाँ पे हमारे NVMe SSD नहीं दिख रही है, तो हम डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे। अब डिस्क मैनेजमेंट जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनिशियलाइज डिस्क का एक मैसेज आता है। अब यहाँ पे आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपको जो अपने SSD लगाई है NVMe M.2 SSD इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी SSD डिस्क पीसी में दिखेंगी। तो आपको यहाँ पे MBR कर सकते हैं, GPT कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं GPT पे रख के ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये तुरंत इनिशियलाइज होंगी और यहाँ पे डिस्क 0 डिस्क 1 है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्क की नंबर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये देखिए डिस्क 0 1 2 यहाँ पे बढ़ गया है। और उसके बाद में इसको सिंपलाइज करिए, सिंपल है, नेक्स्ट करिए और यहाँ पे देखिए न्यू वॉल्यूम पे आपको एक नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे यही नाम दे देता हूँ NVMe SSD M.2 और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। जैसे मैं इसको फिनिश करता हूँ तो तुरंत ये हमारे डिस्क पीसी में शो होगी, इसका एक मैसेज भी आपके सामने आएगा। देखिए अब देखिए डिस्क पीसी में हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज आता है। अब डिस्क पीसी में जाते हैं तो यहाँ पे आपका NVMe SSD M.2 SSD शो हो जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि हम किस तरह से एडाप्टर की मदद से जिसमें कोई स्लॉट नहीं है NVMe SSD M.2 बिठाने का, उसमें NVMe SSD स्लॉट में हमने SSD बिठाई। इसकी स्पीड राइट किस तरह से आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।